आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों अगर आप आध्यात्मिक वादी है तो फिर चिंतन करिए उस पावन प्रभु के धाम का, जो बिन चाहे हम आप सब की चिंताओं का हरण कर लेता है। सच कहूं तो प्रभु के धाम के नाम से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नाम नहीं। प्रमाणित पति तो सबसे परम पिता परमेश्वर श्याम सुंदर हैं, तो वो जो बरसाना बरमाने स्वामी बरसाना साना माने उत्तम, जिन्होंने बरसाने में राधा जी के लिए शरण लेते हैं उनको बर जरूर मिलता है, क्योंकि चिंता का निवारण भी इसी धाम में होता है, वृंदावन में। हिंदू तीर्थों में सबसे महान तीर्थ स्थल ब्रज धाम है। ब्रज धाम में भी जैसे मथुरा आता है, गोकुल, बरसाना और वृंदावन के मंदिर में सारे तीर्थ जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमगोत्री, महाकाल और श्री बांके बिहारी जी जो मुख्य केंद्र बने हुए हैं, एवं और भी कई हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल अपने आप में खुद ही सारा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रजमंडल अपने भीतर बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं। वृंदावन में हजारों की तादाद में मंदिर हैं। श्रद्धालु घूमते घूमते थक जाते हैं लेकिन मंदिर खत्म नहीं होते। यहाँ लाखों करोड़ों लोग हर साल श्री राधा कृष्ण के भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्री दर्शन के लिए श्री धाम वृंदावन की पावन धरती में आते हैं। ब्रज की धरती राधा कृष्ण की जन्म स्थली के साथ साथ भूमि भी है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनगिनत लीलाएं यूं ही हैं और उन्हीं लीलाओं में से कुछ रहस्यमयी हैं। इसलिए मथुरा ब्रज धाम में पूरी दुनिया यहां आने के लिए व्याकुल रहती है। सभी तीर्थों से वृंदावन धाम में अलग ही आनंद आता है। श्री धाम वृंदावन इस धरती पर एक अलौकिक स्थान है, परंतु हम जिस वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं वह अलग स्वरूप है, और जो संत जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए वृंदावन अलग धाम है, जो अलग रूप है, जो अलग रूप में प्रकट होता है। श्रीधाम वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को समझ पाना हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए आसान नहीं है। इसे तो किसी महापुरुष या किसी संत के सानिध्य में ही समझा जा सकता है। ये बरसाना ना, इसीलिए इसका नाम बरसाना है कि जैसे हर आदमी रस की खोज में रहता है, तो रस तो बनता है बनारस में, इसलिए उसका नाम है बनारस, वहाँ रस बना। लेकिन यह बनता नहीं है, बरसता है, यहाँ बरसता है। तो वो लाडली जी वो दयालु हैं कि वो तो जैसे वो फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो वहाँ मिलती नहीं है। ये भोलेनाथ हैं, लोग काशी विश्वनाथ भगवान हैं, वो बनाते हैं भक्ति लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि मैं देने का अधिकार तो वहाँ है और यहाँ मिलती नहीं है, यहाँ तो बरसती है, इसलिए इसका नाम है बरसाना। एक दूसरा अर्थ और है बरसाने का कि यहाँ बरस आना, अर्थात साल में तो एक बार जरूर आए, बरस आना। तीसरा अर्थ बता दें, तीसरा अर्थ है बरमाने होता है स्वामी, बरमाने परमात्मा, बरमाने स्वामी, बरमाने पति। तो सबसे परम पिता परमेश्वर श्याम सुंदर हैं, तो वो जो बरसाना बरमाने स्वामी बरसाना साना माने उत्तम, जिन्होंने बरसाने में राधा जी के लिए शरण लेते हैं उनको बर जरूर मिलता है। बरसाना जो सबसे उत्तम श्याम सुंदर हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, वो जरूर मिलते हैं। जो बरसाने में आके किशोरी जी की शरण में प्रार्थना करते हैं उनको 100% श्याम सुंदर जरूर अपनाते हैं। ब्रजराज की बात ही अलग है। वृंदावन के ब्रज को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। ब्रह्म पुराण में भी बताया गया कि वृंदा जी राजा केदार जी की पुत्री थी, उन्होंने इस वन स्थली में कठोर तप किया था, इसलिए भी इस वन का नाम वृंदावन पड़ा। और भी कई अर्थ हैं वृंदावन के, जिनके बारे में भी बात करेंगे। वृंदा अर्थात राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण कन्हैया से मिलने की तमन्ना लिए इस वन में निवास करती हैं। वृंदावन यमुना नदी से तीनों ओर से घिरा हुआ है और इसकी प्राकृतिक छटा बहुत निराली है। वृंदावन धाम का प्राचीन अतीत हिंदू संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ भी है।
ऐसा माना जाता है कि बल्लवाचार्य जी 11 वर्ष की आयु में वृंदावन आए हुए थे। बाद में उन्होंने भारत देश में 3 तीर्थ स्थानों का प्रचार किया और बिना कुछ पैरों में पहने नंगे पांव उन्होंने जाकर 84 स्थानों पर भागवत गीता का प्रवचन भी दिया। वह प्रत्येक वर्ष 4 महीने वृंदावन में रुकते थे। इस प्रकार वृंदावन में उनके पुष्टि मार्ग ने काफी लोगों को बहुत प्रभावित किया। वृंदावन का सार 16वीं शताब्दी तक विलुप्त होने लगा था, फिर इसे चेतन महाप्रभु द्वारा फिर से खोजा गया। चेतन महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक अतीत से जुड़े एवं खोए हुए पवित्र स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा की। माना जाता था कि दिव्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वह श्री कृष्ण के अतीत के सभी महत्वपूर्ण स्थानों का वृंदावन और आसपास में पता लगाने में सफल हुए। इसके बाद मीराबाई भी मेवाड़ छोड़कर वृंदावन आ गई थी। इस प्रकार वृंदावन धाम अपने प्राचीन इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। अनेक संतों ने यहाँ भगवान की लीलाओं का दर्शन किया है और उन्हें किसी न किसी रूप में प्रकट भी किया है। आज हम लोग भी श्री धाम वृंदावन के कुछ चित्रों का दर्शन करते हैं और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भी वृंदावन धाम का वास प्रदान करें, हमारी आस्था सदैव उनमें बनी रहे और उनकी कृपा हम सबके ऊपर। दिल में आते हैं तो ख्याल लिखता हूँ, जब जब तुमसे मिलता हूँ तो डायरी में सवाल लिखता हूँ। बहुत धोखे खाए हैं इस बेबुनियाद मोहब्बत में, लेकिन जब जब बिहारी जी से बिछड़ता हूँ कसम से बवाल लिखता हूँ। जब प्यास है पानी की, हमें पानी के पास जाना चाहिए तो वो प्यास जब मिटेगी। इसी प्रकार से ये जो जीव है का आनंद की खोज में है, तो आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद मिलता है आनंद कंद के पास। तो ये खोजना चाहिए वो कहाँ मिलेगा, तो उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। किसी आदमी से जैसे आपको मिलना है तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? उसका एक तरीका है कि जैसे वो एक तो है उनकी फैक्ट्री और एक है उसका घर। तो आदमी को आपकी तलाश से कहाँ मिलेगा, मेरे को बड़ी चिंता, वो मिलना चाहिए। तो आप फैक्ट्री में गए तो कह दिए साहब तो घर गए, और जब घर चले गए वो तो अभी निकल गए। फिर तुम फैक्ट्री आए तो फिर वो तो घर चले गए। अब आदमी ऐसे घूमता रहेगा, मिलना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ, किसी को दया आ गई, अरे यार ये तो बड़ा परेशान है, इसको यार तरीका बताओ जब मिलेगा। साहब तो नहीं मिल ही नहीं सकता महाराज। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, बेटा तू परेशान है ना, देख हम बताते तेरे को कैसे मिलेगा। मान कि तू उसकी चौखट है ना, उनका दरवाजा, वहाँ बैठ जा। तो देखो साहब अंदर होंगे तो चौखट के रास्ते से जाएंगे, और फैक्ट्री होंगे तो फिर यहीं से घुसेंगे अंदर, है ना। ये श्री जी का द्वार है, यहाँ श्री जी जरूर एक बार आती आती है 24 घंटे। तो वो महल में होंगी तो यहाँ आएंगी, और बाहर होंगी तो यहाँ आएंगी। इसीलिए श्याम सुंदर गाय चराने के लिए जब भी जाती है, श्री जी का दर्शन करके जाती है। तो इसीलिए ये भगवान का द्वार है महाराज, कैबर वन